नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से धारेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हम राजस्थान भूगोल को लेकर चर्चाएं कर रहे थे, अपनी पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अरावली प्रदेश के बारे में चर्चाएं की थी, और इसी क्रम में हम आज अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मिलने वाली कुछ विशिष्ट शब्दावलियों की चर्चाएँ करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान में जो अरावली पर्वत क्रम है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एक विकीर्ण के रूप में है, और इसे हमने सामान्यतः तीन भागों में विभाजित कर दिया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। वहीं हमने देखा था अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में, अरावली का न्यूनतम विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो ये अजमेर जिले में आ जाता है, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में मिली, और सबसे कम ऊंचाई की बात करें तो ये जयपुर जिले में मिली। अब देखिए कि अरावली जो पर्वत है, ये अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से निर्मित है, जिनमें ग्रेनाइट, रायोलाइट, क्वार्टजाइट आदि चट्टानों का योगदान था। और एक बार प्रश्न बना था कि प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों का विस्तृत अध्ययन किस विद्वान के द्वारा किया गया, तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि अरावली का जो एम हेरोन का वर्गीकरण हमने देखा, इस एम हेरोन ने अरावली को चार भागों में विभाजित किया था। तो ए एम हेरोन का वर्गीकरण, एम हेरोन एक विद्वान है जिन्होंने अरावली पर्वतीय प्रदेश को चार भागों में बांटा, प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों का अध्ययन। यानी डायरेक्ट अगर हम कहें तो अरावली का अध्ययन, अरावली का या फिर प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों का अध्ययन किस विद्वान ने किया, तो एम हेरोन। और एम हेरोन ने इस कड़ी में अरावली को चार खंडों में विभाजित किया, पहला अलवर खंड, दूसरा जयपुर खंड, तीसरा उदयपुर खंड और चौथा आ जाता है आबू खंड। तो इस प्रकार से एम हेरोन ने प्री कैम्ब्रियन युगीन इस पर्वतीय क्रम को चार भागों में विभाजित कर दिया। अब इस अरावली पर्वतमाला में मिलने वाले कुछ विशिष्ट पठारी प्रदेश हैं, जिनमें राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो प्रमुख पठार, प्रमुख पठार में पहला है उड़िया पठार। उड़िया पठार है माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। दूसरा भोराट पठार, भोराट पठार है कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। जैसा कि सभी को पता है, कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है ये आता है राजसमंद में, और गोगुंदा की अगर हम बात करें तो ये आता है उदयपुर जिले में। तो दो तरीके से प्रश्न बन सकता है कि भोराट का जो पठार है वह कहाँ है, तो या तो हम कह सकते हैं कुंभलगढ़ व गोगुंदा पहाड़ियों के मध्य स्थित पठारी भाग, या फिर राजसमंद व उदयपुर के मध्य स्थित पठारी भाग जो है वो भोराट का पठार कहलाता है। यही एक और पठार आता है उदयपुर में, जिसे कहा जाता है लासड़िया पठार, और लासड़िया पठार का विस्तार भी है उदयपुर जिले में। उदयपुर में जय संबंध झील के पूर्वी भाग में, जय संबंध झील के पूर्वी भाग में स्थित पठार को कहा जाता है लासड़िया पठार। अगला एक महत्वपूर्ण पठार आ जाता है
ऊपर माल पठार, और ऊपर माल पठार का विस्तार है बिजोलिया, जो कि भीलवाड़ा में है, अपने किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध स्थान, जहां विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया पंचबोर्ड की भी स्थापना की थी 1917 में। तो बिजोलिया व भैंस रोडगढ़, और भैंस रोडगढ़ आ जाता है राजस्थान के खंडित चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के दो जिले खंडित हैं, एक तो अजमेर जो कि खंडित अजमेर है, टोडगढ़ राजसमंद और पाली के मध्य, और दूसरा आ जाता है खंडित चित्तौड़गढ़, जिसके अंतर्गत हम भैंस रोडगढ़ को पढ़ते हैं। तो देखिएगा, बिजोलिया में भैंस रोडगढ़ के मध्य स्थित जो पठारी भाग है, इसे कह दिया जाता है ऊपर माल का पठार। अगले क्रम में एक पठार आता है मैसा पठार, और मैसा का जो पठार है ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में, जहां दो नदियों का संगम होता है, एक तो बेड़च और दूसरी आ जाती है गंभीरी। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़, और ये चित्तौड़गढ़ का पठार मैसा का पठार, और ये वही पठार है जिस पर चित्तौड़गढ़ का एक प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है, जिसके बारे में किंवदंती हम सुनते भी आ रहे हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गढ़ैया। यही अगर हम कुंभलगढ़ क्षेत्र की बात करें, तो कुंभलगढ़ क्षेत्र पर भी यहाँ जो पहाड़ियां हैं, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, और इस दुर्ग के बारे में भी कहा जाता है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में मेवाड़ की आंख के नाम से प्रसिद्ध कटारगढ़ एक छोटा दुर्ग भी बना हुआ है। तो दोस्तों, मैसा पठार के बारे में अगर हम बात करें, तो इस क्षेत्र में अन्य पठारों में एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, जिसे कहा जाता है डाबी पठार, और डाबी का जो पठार है वो है बूंदी में। हालांकि ये हाड़ौती प्रदेश का भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन पठारों की श्रेणी में हमने इसको यहाँ सम्मिलित कर लिया। वहीं अगले पठार की अगर बात करें, तो क्रासका व कांकणबाड़ी पठार, और क्रासका व कांकणबाड़ी का जो पठार है ये आ जाता है सरिस्का अलवर में। इसके बाद हमने बात की थी कल कठेरा प्रदेश, कठेरा प्रदेश का संबंध है सांबर झील के दक्षिण में, सांबर झील के दक्षिण में स्थित पठार, जिसे कहा जाता है कठेरा प्रदेश। इसके बाद में एक आ जाता है बीजासन पठार, और बीजासन पठार का संबंध हो जाता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में। तो ये कुछ मुख्य पठार हो जाते हैं जो कि अरावली या फिर राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ते हैं। यही अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें, तो देखिएगा इस क्षेत्र में हमें कुछ अन्य शब्दावलियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे मगरा। मगरा क्या है? मगरा विकास कार्यक्रम भी हम पढ़ते हैं, तो मगरा उदयपुर के निकटवर्ती क्षेत्र में अवशिष्ट पहाड़ियां, इन्हें कहा जाता है मगरा। यही अगर हम उदयपुर क्षेत्र की बात करें, तो कुछ और पहाड़ियां आ जाती हैं, जैसे गिरवा, और गिरवा का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी मेखला, और यह पहाड़ी मेखला तस्तरी नुमा आकृति में फैली हुई है, और इस पहाड़ी मेखला का संबंध हो जाता है उदयपुर से। उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, इन तस्तरी नुमा पहाड़ियों को ही क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। हमसे शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है कि गिरवा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पहाड़ी मेखला कहेंगे। यही अगर हम बात करें इस क्रम में, तो उदयपुर में एक और पहाड़ी देखने को मिलती है,
जिसे कहा जाता है देश हरो। देश हरो यहां मिलने वाली दो पहाड़ियों के मध्य का भूभाग होगा, एक का नाम है जरगा और एक का नाम आ जाता है रांगा। जरगा और रांगा पहाड़ी के मध्य स्थित है हरा भरा भूभाग, इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है देश हर। तो गिरवा पहाड़ी, देश हरों की पहाड़ी या फिर मगरा क्षेत्र की हम बात करें तो ये संबंधित हो जाते हैं उदयपुर से। इसके बाद में देखिएगा एक आ जाता है भोमट, और भोमट जो है ये भी संबंधित है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो पठारी भाग है इस पठारी भाग को कहा जाता है भोमट। इसके बाद अरावली के दक्षिणी भाग में भाकर देखने को मिलते हैं। भाकर क्या है तो देखिएगा पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र, तो पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां मिलती हैं इन्हें कहा जाता है भाकर क्षेत्र। जैसे रोजा भाकर, जैसे ईसराणा भाकर। लेकिन ये दोनों ही जो पहाड़ियां हैं ये स्थित हैं जालौर जिले में। भाकर का जो शाब्दिक अर्थ हमने लिया कि पूर्वी सिरोही में मिलने वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, लेकिन इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे रोजा भाकर है, जैसे ईसराणा भाकर है, ये हमें जालौर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा यहाँ से कुछ अन्य पहाड़ियों की अगर चर्चा करें तो राजसमंद जिले में मिलने वाली कुछ पहाड़ियां आ जाती है, तिलक नुमा आकृति है। इसके बाद में अगर हम देखें तो नीचे ये उदयपुर जिला आ जाता है, तो उदयपुर और राजसमंद। राजसमंद में हमें कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। उत्तरी भाग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र आता है इसे कहा जाता है विजराल पहाड़ी। इसके मध्य पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है दिवेर पहाड़ी, और दक्षिण में जो कुंभलगढ़ क्षेत्र है यहाँ पर आ जाती है खमनौर पहाड़ी। और ये पहाड़ियां महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं, राजस्थान के अपवाह तंत्र में हमें कुछ नदियों के उद्गम क्षेत्र यहाँ से मिलेंगे। जैसे अगर विजराल पहाड़ी की बात की जाए तो विजराल पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है खारी नदी। तो आपके लिए प्रश्न है खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है, आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र या फिर अरब सागरीय अपवाह तंत्र। तो यहाँ देखना होगा कि खारी किसकी सहायक नदी है। तो दूसरा, यहाँ से खमनौर पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो खमनौर पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है वर्णासा, वन की आशा और बनास नदी हम इसको कहेंगे। राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कही जाती है, तो इस बनास की एक सहायक नदी है खारी नदी। वहीं दिवेर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, राजसमंद का दिवेर जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, दिवेर से एक नदी निकलती है और नदी का नाम होता है कोठारी। बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि मेजा बांध का संबंध किस नदी से है, तो ये वही नदी है कोठारी जिस पर प्रसिद्ध मेजा बांध स्थित है। तो देखिएगा खारी और कोठारी दोनों ही सहायक नदियां हैं दोस्तों यहाँ पर बनास नदी की, जिसका उद्गम हो जाता है खमनौर पहाड़ी से। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भी भोराट का जो पठार है वो कहाँ स्थित है, तो देखिएगा भोराट का जो पठार है ये हमें राजसमंद और उदयपुर के मध्यवर्ती भाग में यहाँ देखने को मिलता है। उदयपुर के उत्तरी भाग में जो पहाड़ियां आ जाती हैं इन्हें कहा जाता है गोगुंदा की पहाड़ी, और राजसमंद के दक्षिणी भाग में देखें तो कुंभलगढ़ क्षेत्र, इन दोनों के बीच में स्थित हो जाता है यहाँ भोराट का पठार जो कि राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार होगा। तो दोस्तों यहाँ भोमट क्षेत्र की अगर हम बात करें जो कि उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का एक पठारी भाग है, यहाँ एक आंदोलन आया था एक की
आंदोलन, और एक ही आंदोलन किनके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो यहां पर मोतीलाल तेजावत जिनके नेतृत्व में एक आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे हम एक ही आंदोलन के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम लासड़िया क्षेत्र की बात करते हैं, जो कि उदयपुर में है, यहां संत मावजी के नेतृत्व में एक संप्रदाय का गठन किया गया था, जिसे निष्कलंक संप्रदाय कहा गया। यहीं अगर हम उपरमाल पठार की बात करते हैं, तो उपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन किया था, वो किया था विजय सिंह पथिक ने 1917। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अरावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की हमने बात की है। वीडियो आपको कैसा लगा, यह हमें आप कमेंट्स बॉक्स पे जाके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।